केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के लोहिया नगर स्थित एक बिल्डिंग में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि भवन को भारी क्षति पहुंची है। धुएं का गुबार व धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी गई है। विस्फोट किस कारण हुआ और कितने लोगों की मौत हुई है, अभी यह बताने की स्थिति में जिला प्रशासन नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि साबुन पैकेजिंग की फैक्ट्री में यह विस्फोट हुआ है और 5 घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उन्होंने किसी के भी मारे जाने से इनकार किया है। हालांकि छिटक कर बाहर गिरे 2 लोगों के शव साफ नजर आ रहे हैं। फर्स्ट बाइट डॉट टीवी की छानबीन में यह भी सामने आया कि साबुन बनाने व पैकेजिंग की आड़ में इस फैक्ट्री में दीपावली को देखते हुए बड़े पैमाने पर पटाखे बनाने का काम भी अवैध रूप से किया जा रहा था। आसपास के तमाम लोगों ने पटाखों में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम सामग्री दिखाई है। यह हादसा मंगलवार की सुबह लोहिया नगर में सत्यकाम स्कूल के पास ही हुआ है। देखिए मौके के हालात। वही तो समझ में नहीं आ रहा, गैस सिलेंडर तो होगा जी। गैस, ये गैस सिलेंडर नहीं है, ये पटाखे वटाखे बना रहे हैं। पड़ने वाले बेमाई हमारे के बेचारे बेमाई में जो बेचारे ऐसे गुजर रहे थे, आज तो पड़ गई और ज्यादा बीमारी बेचारे के शरीर जो निकल रहे थे गुजर रहे थे, जो जो करना था वो बच गया। कहाँ जा रहा है, रुक जा। वहाँ पे देखो कभी आगे लेबर तो होगी, लेबर तो होगी काम कर रहा है। दिखाना कहाँ है, जो उसमें बंदूक में लगा। गंदक पोटाश वाली। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यह जानकारी दी है। देखिए लोहिया नगर में एक यहाँ पे बंद एक स्टॉक कर रखा था जिसमें साबुन है जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है और कुछ मशीनरी है। यहाँ पे एक मतलब ये डहा है घर और इसके इम्पैक्ट की वजह से अगल बगल में भी असर पड़ा है और अभी तक 5 लोग जो हैं जो इसमें इंजर्ड हुए हैं उनको तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। वहाँ टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और यहाँ पे भी लगातार टीम काम कर रही है और इसके अलावा कोई और किसी की सूचना नहीं है कि जो यहाँ पे और मलबे में या कहीं हो। फिर भी हमने टीम मोबिलाइज करके अब तत्काल मलबे को भी हटा रहे हैं कि कोई भी गुंजाइश ये ना रहे कि कोई भी नीचे दबा हुआ। सर ये किस चीज की फैक्ट्री थी, क्या काम होता था इसके? नहीं देखिए प्रथम दृष्टया अभी ये देखने में समझ में आया है कि कोई साबुन की कुछ मशीन रखी हुई है और साबुन का स्टॉक रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं साबुन बनाने के लिए या साबुन को रैप करने के लिए या जो उसकी पैकेजिंग करने के लिए यहाँ पे ये काम होता था। और जो भी डिटेल्स आगे पता चलेंगी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। कितने कैजुअलिटी इसके अंदर अभी तक और कितने लोग मौजूद? नहीं देखिए 5 लोग इंजर्ड थे, 5 लोगों को तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, उनकी तत्काल प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और CMO को एक्टिवेट कर दिया गया है और कुछ भी उनके बारे में भी सूचना या इसमें भी आगे कुछ भी और भी चीजें पता चलती है हम आप लोगों से शेयर करेंगे। पटाखे का कोई नहीं है यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं ऑलरेडी। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो रैपिंग की मशीन्स हैं उसी में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से कोई मतलब एक तरीके से कुछ जिसके ब्लास्ट की वजह से ये दहा होगा
और बाकी की चीजें हम दिखवा रहे हैं, जैसे जैसे मलबा क्लियर होगा बाकी की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। नहीं नहीं देखिए, पटाखे से कोई नहीं है, ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ था साबुन का और मशीन्स रखी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम अननेसेसरी के अर्ली प्रेडिक्शंस ना करें। जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो आप लोगों से मैंने शेयर किया। नहीं, अगल बगल में भी है मकान जो थोड़े क्षतिग्रस्त हुए इम्पैक्ट की वजह से, पर बाकी के लोग सेफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।